चल रहा है 90 के आसपास। यहाँ से हम लोगों को यहाँ पे हमारा आंखें होगा, ठीक है, मगर मेरे को एग्जैक्टली हल्का सा मैंने रोटेट किया, सभी मैं ऐसा देख रहा हूँ तिरछा करके, थोड़ा पूरा स्ट्रेट नहीं, ऐसा देखो कहाँ पे, नहीं देखो ऐसा, ठीक है, तो डरना नहीं है, जो भी गाड़ी आएगा वो अपने आप साइड ले लेगा। जो हम लोग डिस्कशन करेंगे यहाँ पे ड्राइवर के सीट, ठीक है, यहाँ से बाहर का जजमेंट कैसे करेंगे, तो देखिए इसका जो लेंथ है ना, एकदम इस पिलर से लेके उस पिलर तक जितना लेंथ है उसका मिडिल लेना है। अभी वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिए। यहाँ पे मेरा ड्राइवर का सीट है, ठीक है, हम लोग देखेंगे कैसा ये जो स्टीयरिंग है ना, स्टीयरिंग की इधर से, यानी कि इधर से सीधा ऐसा होगा, ठीक है, थोड़ा सा देखिए ये एंगल से जा रहा है, ठीक है, और यहां से यहाँ ये जो टायर है सामने का, ठीक है, यहाँ पे जो हमारा जो टायर है उधर पे हम लोग ऐसा करके देखेंगे, यानी कि एक ऐसा करके जाएगा, एक इस सेंटर से ऐसा जाएगा, ठीक है। अभी इसके साथ देखिए यहाँ पे क्या लिखा मैंने, ए बी सी, ये हमारा कार का बोनेट है, ठीक है, मिडिल है बोनेट का, ये हमारा स्टीयरिंग है, ये हमारा मिडिल है, यानी कि ये वाला समझ लीजिए शोपीस जो है हमारा मिडिल है। तो अभी क्या करना है, यहाँ से हम लोगों को यहाँ पे हमारा आंखें होगा, ठीक है, आईज, यहाँ से हम लोग ऐसे देखेंगे, यहाँ से हम लोग ऐसे देखेंगे। अभी क्या करना है, ये जो लाइन जा रहा है ना, इसके बाहर हमारा लेफ्ट व्हील है, ठीक है, और यहाँ पे है इस मिडिल से ए बी सी, तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया ए फॉर स्मॉल कार, बी फॉर मीडियम कार, सी फॉर बिग कार, यानी कि सामने जो भी गाड़ी आ रहा है, ठीक है, सामने जो भी गाड़ी आ रहा है उसका जो पीछे का जो व्हील है, अगर वो छोटा गाड़ी है तो हम लोग इसको यहाँ पे रखेंगे, गाड़ी को हम लोग ऐसा स्टीयर करके जा सकते हैं, यानी कि पीछे का व्हील इधर रहेगा छोटा कार के लिए, ठीक है, मीडियम कार यहाँ, बड़ा कार के लिए यहाँ, ऐसा आप लोगों को मेजर करना है ए बी सी, उसी तरह हम लोग यहाँ पे ड्राइंग किया है ए बी सी, ठीक है। तो इसके ऊपर आप लोगों को गाड़ी को ड्राइव करना है, यानी कि जब भी सामने से गाड़ी आएगा जो छोटा गाड़ी होगा आप लोगों को इधर से उसको जजमेंट करना है, यानी कि उसका पीछे का व्हील इधर रहेगा, हम लोग उसको स्टीयर करके जा सकते हैं। अगर मीडियम गाड़ी है यहाँ पे, जैसा कि छोटा वैगनर हो गया, उसके साथ जो भी छोटा मोटे गाड़ी एल्ट्रोज जो भी है, ठीक है, टियागो टिगोर, वो सब इधर पे रहेगा, ठीक है, ऐसा छोटा इधर सा, और जो सी होगा यानी कि ऐसा, यानी कि जो बड़ा गाड़ी हो सकता है फॉर्च्यूनर हो सकता है अल्काज़ार, जो भी बड़ा बड़ा गाड़ी है, ठीक है, तो वो सब गाड़ी के लिए थोड़ा सा ऐसा करना है जजमेंट। ये गया हमारा छोटा, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। यहाँ पे अभी हम लोगों को सामने देखना है ऐसा, ठीक है, और यहाँ से ऐसा देखना है, ठीक है, यानी कि बड़ा गाड़ी के लिए ऐसा देखना है, छोटा गाड़ी के लिए ऐसा देखना है, और जो भी जजमेंट होगा इस मिडिल से होगा, ठीक है, यानी कि सामने का जो भी गाड़ी है उसका पीछे का जो व्हील है, ठीक है, नहीं तो जो सामने गाड़ी जा रहा है उसका जो पीछे का व्हील है वो इधर लेके आना है, इधर हो सकता है, इधर इधर, ठीक है। तो चलिए आगे जाते और देखते हैं, क्योंकि बहुत सारा कमेंट ऐसा आया था जो पहला वीडियो था उसके अंदर, उसके नेक्स्ट जो वीडियो था उसके अंदर भी आया था, यानी कि भाई अगर मेरे पास बड़ा गाड़ी है तो कैसे हम लोग जजमेंट करेंगे, तो उसके लिए हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे और आगे जाके एकदम डिटेल्स में जानकारी लेंगे। देखो सामने जो छोटा जो रिक्शा जा रहा है इसका पीछे का व्हील कहाँ पे है, एग्जैक्टली मेरा जो गाड़ी है उसका, यानी कि जो दो बंटवारा है जो मैंने लास्ट वीडियो के अंदर कहा था, इस शीशा को दो बंटवारा के अंदर डिवाइड करना है, यानी कि एक गया ए वाला हिस्सा और दूसरा गया ए वाला हिस्सा, ठीक है, तो उसको हमेशा जो भी गाड़ी है सामने उसको तो पीछे का जो व्हील है उसको हमको लेफ्ट साइड में लेके आना है, ठीक है, यानी कि मैं सब फिर से समझा देता हूँ अगर आप लोग इस वीडियो में नए हो, ये बंटवारा, ठीक है, ये वाला बंटवारा, ठीक है, सामने का जो गाड़ी है उसका पीछे का व्हील यहाँ पे लेके आना है, ठीक है। तो चलो आगे जाके एग्जाम्पल देखते हैं, साइकिल जा रहा है सामने कहाँ पे है, उधर पे है, सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी कैसे हम लोग इधर पे लेके आएंगे, सीधी सी बात है, हमारा जो स्टीयरिंग है इसको स्टीयर करेंगे और जो गाड़ी है इधर आ जाएगा, एकदम आसान, ठीक है। चलो पीछे एक गाड़ी लगातार हॉर्न दे रहा है, ठीक है, बहुत उसको हड़बड़ी है, जाओ। तो देखो दोस्त सामने जो गाड़ी है ना उसको लेके हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। देखो अगर मैं ऐसे जा रहा हूँ ना, वो जो गाड़ी है मेरा राइट बंटवारा पे है, उसको ऐसा किया, देखो लेफ्ट बंटवारा के अंदर वो चला गया। तो हमेशा छोटा गाड़ी को, जो भी जैसा गाड़ी हो गया आपका ऑल्टो, ठीक है, वैगनार, हुंडई i10, ठीक है, जो भी गाड़ी है, यानी कि मिड साइज कार्स, ठीक है, उसको आप लोगों को थोड़ा सा, यानी कि जो बीच से थोड़ा सा इधर, ठीक है, ये आप लोगों को समझना पड़ेगा, यानी कि गाड़ी के हिसाब से आप लोगों को उसको जज करना पड़ेगा, उसको कहां से हम लोग क्रॉस करेंगे, ठीक है, जैसा कि बेलेनो हो गया, होंडा सिटी हो गया, ठीक है, स्कॉर्पियो हो गया, वो सब गाड़ी इधर से जाएगा, यानी कि एग्जैक्टली इधर से नहीं जाना है, थोड़ा सा और गैप दे देना है, यानी कि हम लोग जब भी देखिए जो लॉरी है ना, इसको हम लोग जब भी जाएंगे ना, इसको यहाँ पे लेके आएंगे, क्योंकि वो बड़ा गाड़ी है, ठीक है, उसका जो पीछे का जो विड्थ है, यानी कि पीछे का जो
विड्थ मेजरमेंट है वो काफी बड़ा है एक कार के कंपैरिजन, ठीक है, जैसा कि हमारा आपका फॉर्च्यूनर हो गया, ठीक है, तो ऐसा जो आपका मारुति का एक्सेल 7 हो गया और बोलेरो का पिकअप कार हो गया, जो भी है उसको थोड़ा सा और ज्यादा स्पेस छोड़ना है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपका लेफ्ट व्हील, जिसको लेके हम लोग डिस्कशन कर रहे थे लास्ट डे को, लेफ्ट व्हील कहां से जा रहा है, लेफ्ट व्हील आप लोगों को समझना है एग्जैक्टली कौन सा पोजीशन से आपका लेफ्ट व्हील गुजर रहा है। देखो दोस्त, यहां पे जो हमारा सामने जो व्हाइट लाइन दिखाई दे रहा है ना, ये लाइन कहां पे है, मेरा यहां पे है, यानी कि जो मेरा मिडिल से थोड़ा बहुत इतना गैप पे है। इसका मतलब यही हुआ जो मेरा लेफ्ट व्हील है वो इतना गैप से उधर है। इसको आप लोगों को समझना पड़ेगा, ठीक है। देखिए अभी मैं ऐसा कर रहा हूं, ठीक है, ऐसा किया उसके साथ चला गया, यानी कि मेरा जो लेफ्ट व्हील है वो आ गया मेरा व्हाइट लाइन के ऊपर। तो ऐसे आप लोगों को इसको जजमेंट करना पड़ेगा। लेफ्ट साइड जजमेंट आसान होगा तब जब आपका आइडिया लेफ्ट व्हील के ऊपर एग्जैक्टली होगा, तभी आप लोग आराम से जजमेंट आप लोगों को आ जाएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा। देखिए ये जो सामने रिक्शा जा रहा है ये मेरा इस सेक्शन के अंदर है, इस बटवारे के अंदर, ठीक है। इसको देखिए यहाँ पे आ गया, मैंने स्टीयरिंग हाथ भी नहीं दिया, वो क्रॉस करके मैं आ गया ऐसा। अभी ऐसा मेरे को राइट टर्न देना है, ऐसा करना है, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। गियर 3 नंबर डाल दिया, आगे जाते हैं, ठीक है। देखो इधर पे, इधर से और एक रास्ता आ रहा है, उसको मेरे को देखना है ठीक से, कोई गाड़ी तो नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, मैं सेफ हूँ। चलो देखो अभी आप लोगों को जो भी अगर रास्ता बड़ा हो छोटा हो जो भी हो, आप लोगों को हमेशा उसके हिसाब से गाड़ी को जो भी लेफ्ट व्हील है उसको देखना है। देखो अभी मेरा गाड़ी ऐसा जा रहा है, ठीक है, तो मेरा जो गाड़ी का मिडिल है वो एग्जैक्टली जा रहा है रास्ते का एंड से। सो रास्ते का एंड से ही मेरा लेफ्ट व्हील जा रहा है। अभी सामने देखो, मैं ऐसा सोच रहा हूँ जैसा मैंने दिखाया जो ड्राइंग करके, तो इधर से अगर मैं सामने एक लाइन सोचूंगा ना तो क्या होगा, जो गाड़ी मेरा उस लाइन से उधर रहेगा मैं उसको ओवरटेक करके जा सकता हूँ, ठीक है। देखो अभी जो भी मेरा गाड़ी सामने है सभी मैं ऐसा देख रहा हूँ तिरछा करके, थोड़ा पूरा स्ट्रेट नहीं ऐसा, क्योंकि गाड़ी दूर से आ रहा है, तो इसीलिए मेरे को ऐसा सोचना है। जितना नजदीक आएगा वो उतना क्लोज आएगा, मेरे पिलर से क्लोज आ रहा है, तो मेरे को ऐसा सोचना है तिरछा करके, ठीक है। तो ये हमेशा आप लोगों को याद रखना है। देखो सामने जो लॉरी आ रहा है, मैं मेरा लाइन पे जा रहा हूँ, वो अपना लाइन पे आ रहा है, मगर मेरे को एग्जैक्टली हल्का सा मैंने रोटेट किया, क्यों, वो ऑलरेडी इधर आ चुका था। ऐसा आप लोगों को राइट साइड का भी जजमेंट लेना है दोस्तों। जब भी लेफ्ट टर्न लेंगे कोई भी मोड़ के अंदर हल्का सा ब्रेक पहले से करना है, ठीक है, इंडिकेटर देना है, ऐसे ब्लाइंड ओवरटेक नहीं करना है जो मैंने अभी किया, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि मेरे को पता चल गया था सामने खाली, इसलिए मैंने आया, नहीं तो मैं नहीं आता, ठीक है। तो ऐसा आप लोगों को जजमेंट करना है दोस्तों। चलो अभी मैंने डाल दिया 3 नंबर गियर पे, हल्का करके मैंने ब्रेक दबा दिया, ठीक है। देखो पूरा क्लच प्रेस है मेरा, फुल क्लच प्रेस है, ठीक है। देखो सामने कितना पानी है, पानी ही पानी है। जब भी ऐसा वाटर लॉग रोड आएगा तो आप लोगों को एकदम धीमे जाना है, ठीक है, धीरे धीरे जाना है गाड़ी लेके, हड़बड़ी नहीं करना है, ठीक है, यहाँ पे, क्योंकि रास्ते के हालात बहुत खराब है। सामने जो गाड़ी जा रहा है उसका व्हील पोजिशन देख के आप लोगों को जाना है, ऐसे ही अंधा नहीं जाना है, ठीक है। देखो अभी मैंने 3 नंबर गियर डाला क्योंकि गाड़ी के अंदर टॉर्क था। देखो सामने बाइक को देखो कहाँ पे है, मेरा राइट सेक्शन के अंदर है, उसको अगर मैं ओवरटेक करना है मेरे को उसको इधर पे लेके आना है। हॉर्न ऐसे देना है, ठीक है, लंबा। देखो ऐसा मैं निकला, कैसा निकला, स्पेस बहुत कम था, मगर फिर भी मेरे को पता था वो जो मेरा साइड पे जो रिक्शा जा रहा था वो भी थोड़ा लंबाई मतलब कि उसका चौड़ाई है, ठीक है, तो उसको वहां से मेरा लेफ्ट व्हील को बचा के इस जो रिक्शा जा रहा था राइट साइड पे उससे बच के मेरे को जाना है। तो ऐसा करके आप लोग को हमेशा जाना है। देखो मैंने अपर दिया क्योंकि उसको रोकना पड़ा, उसको उधर पे, इधर पे गड्ढा था, मेरे को पता था वो गड्ढा से मेरा गाड़ी जो मेरा व्हील है वो गड्ढा के अंदर गिर रहा था, तो इसीलिए मैंने क्या किया पता है, मैंने उसको उधर पे हल्का एकदम स्लो कर दिया। देखो अभी सामने नजदीक जो गाड़ी आ रहा है, जो लॉरी आ रहा है, देखो अभी कहां पे, एग्जैक्टली यहां पे, मैं इधर स्टीयर कर रहा हूं क्योंकि उधर जाएगा बहुत ही कम था, इधर पे मेरे को रोकना पड़ेगा क्योंकि जो सामने है ना जो मिट्टी है उधर पूरा गीला हुआ है, मेरा जो व्हील है वो फंस सकता है, तो इसीलिए मेरे को इधर पे रुकना पड़ेगा। तो ऐसा सिचुएशन पे जहां आप लोगों को मिट्टी नहीं तो कुछ भी ड्रेन कोई भी हो तो आप लोगों को गाड़ी को रोक देना है, रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि अगर गाड़ी का जो व्हील है अगर वो गिर जाएगा उसके अंदर तो बहुत दिक्कत हो जाएगा फिर।
तो हमेशा ऐसा ड्राइव करना है। ये बहुत ही नैरो रास्ता हो चुका है क्योंकि इधर पे काम चल रहा है। देखो जो सामने जो साइकिल जा रहा है कहाँ पे आ गया, इधर सेफ है, ठीक है। हमेशा जैसा मैंने ड्राइंग दिखा आप लोगों को मैं वैसा ही सोच रहा हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे है, सेफ है। देखो वो भी रुक गया, नहीं वो तो कस्टमर के लिए रुका। देखो ऐसे मैं जा रहा हूँ, सामने जो रिक्शा जा रहा है कहाँ पे है, देखो वो अपने आप इधर पे आ गया, मैं सीधा चला गया। फिर भी मैंने हल्का सा स्टीयर किया, क्यों स्टीयर किया, क्योंकि रास्ता जो था ना दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा इंक्लाइन था, बैलेंस के लिए मैंने हल्का सा स्टीयर किया। हमेशा ऐसा जब भी रास्ता जाएगा आप लोगों को ऐसा रास्ते के बीचों बीच नहीं जाना है, सेंटर से थोड़ा स्टीयरिंग रहेगा इस सेंटर ए वाला रास्ता के एग्जैक्ट मिडिल पे, तब ये जो सिचुएशन अच्छा रहेगा, क्योंकि आप लोगों को बाएं तरफ ना कुछ स्पेस मिलेगा जाने के लिए। लेकिन अगर सामने से कोई भी गाड़ी बहुत जोर से आ रहा है, रश ड्राइव कर रहा है, आप लोगों को स्पेस मिलेगा बाएं जाने के लिए, तो इसीलिए हमेशा लेफ्ट साइड में कुछ इतना जगह छोड़ के रखिए। देखो ऐसा मैं अभी जा रहा हूं, सामने जो बाइक जा रहा है मेरा इस सेक्शन के अंदर है, मेरे को उसको इधर लेके आना है, तभी वो मेरे से सेफ होगा, नहीं तो मैं उसको ओवरटेक करके जा नहीं सकता। देखो अभी देखो, हमेशा ओवरटेक करने से पहले छोटा मोटा हॉर्न देना है, ठीक है। बंदा बीच से जा रहा है, उसको मैं इधर लेके आ गया, तब मैं जा पाया, ठीक है। ऐसा देखो, ज्यादा स्पीड नहीं, 60-70 के आसपास गाड़ी जा रहा था, ठीक है। कंटिन्यूअस एक्सेलरेशन मैं कर रहा था, अभी मैं नहीं कर रहा हूं एक्सेलरेशन। चलिए सामने जाते हैं और देखते एग्जांपल्स। देखो अभी ये जो बंदा जा रहा है सामने, जो जितने भी बाइक वगैरह जा रहा है, चलो उसके सामने जाते हैं और एग्जांपल्स को फॉलो करते हैं। देखो कहां पे है, ठीक से देखो, मैं अभी स्लो जा रहा हूं, ठीक है। देखो अभी मैं उसके पीछे पीछे जाऊंगा आप लोगों को दिखाने के लिए। अभी वो अगर बाइक है, ठीक है, अगर वो बड़ा गाड़ी भी होता तो मैं क्या करता पता है, उसको मैं इधर पे लेके आता, ठीक है। देखो अभी जो सामने जो गाड़ी आ रहा है ना, अभी इधर से सोचो, मेरे जगह पे बैठ के सोचो, एक लाइन सोचो जो हल्का टेढ़ चकर के जा रहा है, तो वो गाड़ी ऑटोमेटिकली बाहर आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ठीक है। इधर से सोचो वो जो बोलेरो आ रहा है कहां पे है, यहाँ पे मेरे को 4 नंबर गियर डालना पड़ेगा क्योंकि गाड़ी एकदम रुक सा गया था। देखो मैं इधर पे रुकता हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। सामने जो लॉरी है, समझ लो वो लॉरी के पीछे मैं जा रहा हूँ, ठीक है। तो वो लॉरी का पोजीशन कहाँ पे, देखो अगर मैं इधर पे रुक गया, देखो इधर पे, देखो इधर पे, ऐसा देखो इधर पे है इस लॉरी है, ठीक है। मगर देखो मैंने स्टीयरिंग हाथ भी नहीं दिया, गाड़ी चला गया उसको क्रॉस करके, यानी कि उसको भी मैं इधर से जज किया, ठीक है, उधर नहीं गया मैं, ठीक है। अगर क्लोज एनकाउंटर हो रहा है तो तभी आप लोगों को ज्यादा यानी कि उधर देखना नहीं है, आप लोग जा सकते हैं। देखो ये बंदे तो बहुत धीरे जा रहा है यार, कैसे जाऊंगा मैं अभी। देखो अभी एकदम एक नंबर गियर मेरे को डालना पड़ा और कोई चारा नहीं था, 2 नंबर गियर चला दिया। तो ऐसा आप लोगों को जज करना है। आशा करता हूं आप लोगों को कुछ यानी कि आइडिया हो गया होगा शायद। चलो देखो ये जो जा रहा है, ठीक है, कहां पे है मेरा, यहां पे है। हमेशा ऐसे ही आप लोगों को जज करना है, ठीक है। देखो सामने जो गाड़ी आ रहा है कहाँ पे है, इधर से मैं सोच रहा हूँ एक लाइन ऐसा तिरछा करके वो मेरा अंदर आ रहा है, मेरे को थोड़ा सा इधर जाना है हल्का बाय, ठीक है, ऐसा सोचना है। जो भी बाइक सामने मेरा जा रहा है, देखो अभी मैं क्या करूंगा, उसको ओवरटेक कर रहा हूँ, हॉर्न दिया मैंने, यहाँ पे आ गया वो, जितने भी बंदे है इधर आ गया, मैं उसको ओवरटेक करके जा सकता हूँ, ठीक है। देखो कहां पे ऐसा जा रहा हूं, ठीक है, वो गाड़ी कहां पे है एग्जैक्टली, मेरे से दूर था यहां पे, जितना जोर मैं अभी जा नहीं सकता यार क्योंकि स्कूल का टाइम है, छुट्टी हो रहा है। देखो एट्टी के आसपास चला गया था स्पीड। तो ऐसे आप लोगों को ड्राइव करना है। आशा करता हूं जो भी डाउट है मैं को जज करना है। देखिए सामने जो भी गाड़ी है ना कहां पे है, देखिए मैं मिडिल से सोचिए कहां से जा रहा है, देखिए ये तो मेरे सामने ही नहीं है, ठीक है, बहुत दूर है। तो ऐसे आप लोगों को जज करना है दोस्तों। तो यहां पे मैं गाड़ी को घुमा लेता हूं, ठीक है। देखो ऐसे मैं
बैक गियर दिया, ठीक है, और भी जाएगा ऐसे, एक नंबर गियर दिया, दाहिने बाएं देखा, गाड़ी को चला दिया ऊपर, ठीक है, दो नंबर गियर ऐसे चल गया गाड़ी, ठीक है, फिर से तीन नंबर गियर। तो ऐसे आप लोगों को गाड़ी को बैक गियर में लेके सीधे लेके जाना है, ठीक है। मेरे प्लेलिस्ट के अंदर देखिए, बैक गियर के ऊपर वीडियो है, डिटेल्स में है, उसको जरूर देख लीजिए। देखो सामने जो ऑटो जा रहा है ना, कहाँ पे है, देखो यहाँ पे है, ठीक है। अभी क्या करना है पता है, मेरे को थोड़ा सा राइट टर्न करना पड़ेगा तो वो इधर आ जाएगा, एकदम आसान सी बात है, ठीक है। देखो हो गया, चला गया उधर। ऐसे सभी गाड़ी के लिए दोस्तों, सभी गाड़ी के लिए जो रूल है, जो टेक्निक है, सेम है। देखो सामने जो ओमनी आ रहा है, ठीक है, देखो मेरे सामने आमने सामने आ रहा है, ठीक है, मैंने साइड दिया, वो भी साइड दिया, चला गया, ठीक है। एग्जैक्टली क्लोज एनकाउंटर था ये, मैंने इधर से सीधा जज किया, ठीक है। ऐसा ये एक ड्राइवर के अंदर से आप लोगों को वो जो टेक्निक मैंने आप लोगों को बताया, ऐसा नहीं आप लोग उस टेक्निक को देखने के बाद ही प्रो बन जाएंगे, बिल्कुल नहीं। देखो ऐसा, ठीक है, तो डरना नहीं है, जो भी गाड़ी आएगा वो अपने आप साइड ले लेगा। आप लोगों को इस स्टीयरिंग को ना ज्यादा घुमाना नहीं है, थोड़ा थोड़ा ऐसा, देखिए मैं अगर स्टीयरिंग को थोड़ा सा भी रोटेट करूंगा ना तो वो इधर हो जाएगा, देखिए ऐसा, ठीक है, हल्का सा रोटेट करते ही गाड़ी पूरा घूम जाता है। तो बच के करना है, सावधानी से करना है, क्योंकि पावर स्टीयरिंग है, कहां चला जाएंगे पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो देखो ऐसे जा रहा हूं, और जो भीड़ के अंदर जो लेफ्ट साइड जजमेंट है उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिए, क्योंकि ऐसे रास्ते के अंदर आप लोगों को क्लियर जो डाउट है उसको क्लियर करने के लिए मैं आया। भीड़ के अंदर भी वीडियो है, उसको भी देखिए। देखो ये जो बाइक जा रहा है मेरे सामने कहां पे है, मेरा इस सेक्शन के अंदर है, उधर आ गया, मैं उसको क्रॉस करके जा सकता हूं अभी, ठीक है। ऐसा देखो अभी कहां पे है वो, मेरे को डालना पड़ा चार नंबर गियर, क्योंकि मेरा गाड़ी चल रहा था पांच नंबर गियर पे, गाड़ी स्लो हो गया था इसीलिए ऐसा। ओ भाई मेरा शू पूरा भीग गया यार, मैं चला नहीं सकता हूँ गाड़ी को यार, शू पहन गया यार अभी। देखो इतना रोटेट किया मैंने, टर्न ले रहा था। तो याद रखना है, वैसा देखना है, यहां से ऐसा देखना है, ठीक है, यहां से ऐसा देखना है, ऐसा एक आंख से देखिए, यहां ऐसा देखना है, यहां से ऐसा देखना है, ठीक है, उस डायग्राम के हिसाब से, ठीक है, ऐसा, ठीक है, बस वही है। तो इस वीडियो में इतना ही, आशा करता हूं जो भी डाउट है सब क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं होता है कमेंट कीजिए, वीडियो आते रहेगा दोस्तों। तब तक मैं नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, चलो जाते हैं, बहुत जोर से चला भागा गया गाड़ी को, 80 चल रहा है 90 के आसपास। इस रास्ते के अंदर बहुत डर है, कभी कभी ना कुत्ते वगैरह जो भी है सब आ जाता है, ठीक से चलाना है, सेफ ड्राइव करना है, ठीक है दोस्त, कोई भी एनिमल्स को हर्ट नहीं करना है कभी, बहुत ही सावधानी से। बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।